महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व कुलपति डॉक्टर पृथ्वीश नाग द्वारा लिखित पुस्तक एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल गार्डन ऑफ कोलकाता, इंडियन जियो स्पाशल इंफ्रास्ट्रक्चर तथा गंगा सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विरासत का विमोचन हुआ। 24 नवंबर बुधवार को भारत के पूर्व महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग पूर्व निदेशक, नेशनल थीमेटिक मानचित्र संगठन कोलकाता, पूर्व कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डॉक्टर पृथ्वीश नाग द्वारा लिखित एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल गार्डन ऑफ कोलकाता, इंडियन जियोस्पाश इंफ्रास्ट्रक्चर तथा गंगा सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विरासत का विमोचन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के माननीय कुलपति प्रोफेसर ए के त्यागी द्वारा आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सभागार में किया गया। उन्होंने कहा कि चारों पुस्तकें विषय के चार आयामों को व्यक्त करती हैं। इस किताब में देश के विभिन्न भौगोलिक स्थितियों एवं सांस्कृतिक विरासत को बताया गया है। उन्होंने श्री शिव प्रसाद गुप्ता जी के व्यक्तित्व पर चर्चा करते हुए कहा कि आज श्री शिव प्रसाद गुप्त जी के ऊपर शोध होने की जरूरत है, क्योंकि इसी से उनके विचारों को देश विदेश तक पहुँचाया जा सकता है। सभी पुस्तकों का प्रकाशन भारतीय प्रकाशन वाराणसी द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सुनीता पांडे, कुलसचिव, सहायक कुलसचिव हरिश्चंद, श्री शिव प्रसाद गुप्त, आज परिवार से श्री अंबुज कुमार गुप्त, डॉक्टर देवी प्रसाद सिंह, डॉक्टर संजय, प्रोफेसर रेखा, प्रोफेसर सुशील कुमार गौतम, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर हौसिला प्रसाद, ओम प्रकाश सिंह, डॉक्टर चंद्रशेखर एवं डॉक्टर मार्कंडे सिंह, डॉक्टर ऊर्जस्विता सिंह, प्रोफेसर रवि प्रकाश पांडे आदि प्रमुख लोग उपस्थित थे। मेरी चार किताबें हैं, जिसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एक है, गंगा के ऊपर है, एक जो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, एक जियोलॉजिकल गार्डन के ऊपर है। ये चार किताबें आज मेरे पुरानी यूनिवर्सिटी में रिलीज करने का सौभाग्य मिला। मैंने इसलिए चुना कि बहुत से काम मैंने विद्यापीठ में शुरू किए थे, और दो किताबें सेकेंड एडिशन है, क्योंकि फर्स्ट एडिशन मेरे वाइस चांसलर रहते हुए क्या मैंने ये किताब बनाई थी, तैयार की थी। किताब किन किन भाषाओं में प्रकाशित है? हिंदी में है और इंग्लिश में। और उन युवाओं से क्या कहेंगे जो अभी ज्योग्राफी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल करें? उन्हीं के इंटरेस्ट के लिए ये किताबें लिखी गई हैं, जिससे कि वो ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड हों और काम को आगे बढ़ाएँ। इसमें जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसमें ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा रोल है। सर, जो जी सर, ये भारत माता मंदिर में ज्योग्राफी का इतना इम्पोर्टेंट सेंटर है, इसके बारे में भी चर्चा ज़्यादा नहीं हुई। हमने कोशिश किया कि उस चीज़ को हाईलाइट करें, अपनी किताब की जैकेट पर उसे दिखाने की कोशिश किया, जिससे जो लोग किताब को देखें वो भारत माता मंदिर के इम्पोर्टेंस को समझें और ज्योग्राफी में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, और शिव प्रसाद गुप्त जी का कंट्रीब्यूशन इंडियन ज्योग्राफी में क्या है, इसको भी हाईलाइट किया। वाइस चांसलर आए, हमारे प्रोफेसर आए, उनका कंट्रीब्यूशन पूरे दुनिया में, पूरे भारत में जाना जाता है। और आज उसी कड़ी में हमारे पूर्व कुलपति प्रोफेसर नाथ जी ने, जो एक गैप था भूगोल के एजुकेशन में, नई शिक्षा नीति और जो हमारी पुरानी पुस्तकें हैं उनके बीच का जो गैप है उसको भरने के लिए बहुत ही सुंदर प्रयास किया है। और भूगोल की जितनी भी विधाएं हो सकती हैं, जितने भी कोर्सेज हो सकते हैं, वो यूजी स्टूडेंट के लिए हो या पीजी स्टूडेंट के लिए, उनके लिए बहुत ही सुंदर किताबें, बहुत ही साधारण भाषा में, जो कि भारतीय बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होंगी, वो पब्लिश की हैं। इस अवसर पर मैं प्रोफेसर नाथ जी को बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ।